वेलकम टू द व्लॉग बेनिश यानी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, हम भी खैरियत से हैं। सो आज हम लोग आ गए हैं दोबारा से छोटी सिस्टर के घर पे, क्योंकि जो उनकी जो मदर इन लॉ हैं वो अभी यहाँ पर नहीं आई हैं और वो आने वाली हैं। वो आएंगी न्यू ईयर के बाद, क्योंकि जाहिर सी बात है एक शहर से दूसरे शहर में आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो उनके लिए भी थोड़ा सा अभी मुश्किल चल रही है, क्योंकि वो जाती हैं वहाँ पे, फिर वहाँ पे बच्चे बाकी घर भी है, सबको देखना पड़ता है उनको। यहाँ पर ये दोनों हैं तो इन लोगों को देखना पड़ता है उनको, तो उनके लिए तो एज अ मदर बहुत ज़्यादा मुश्किल है ये चीज़ें। सो फिर भी वो मैनेज कर रही हैं क्योंकि खुदा उनको हिम्मत देता है। और दूसरी बात ये कि मैं जब ये सिस्टर आज अकेली थी तो फिर इन्होंने मुझे मतलब कि छोटी सिस्टर ने मुझे फ़ोन किया, तो इसने मुझे बोला कि आ जाओ मेरे पास, तो तब मैंने भी नाश्ता करके मैं भी फ्री हुई थी। फिर वहाँ से भाई लेने आया, तो खैर मैं वहाँ से फिर खुद ही मैंने बोला नहीं तुम जाओ जॉब पे, मैं चिंची पे बैठी तो यहाँ पर आ गई। लेकिन आज की वॉक मुझे पड़ गई बाहर ही, क्योंकि मेरे कमर में शदीद किस्म का पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, क्योंकि मुझे वॉक करना पड़ा, क्योंकि वो चिंची जिस पे मुझे आज मैं बैठी हूँ वो इस तरफ नहीं आती है, वो 7D आती है और S8 ही मेरा ख्याल है या S7 थी जो उसने मुझे दूसरी तरफ उतारा जहाँ पे बाज़ार लगता है। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया यहाँ पर आना। तो बैनी साहब जो अपनी आनों को बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ें, असल में उसको ये होता है कि चीज़ उठा के मैं नीचे फेंकूँ फिर वहाँ से मैं उठाऊँ, तो ये बड़ा मुश्किल काम लग रहा है। फिर हमने आज मम्मा को भी यहीं बुलवा लिया है और मम्मा देखते हैं कि मम्मा क्या कर रही है। और यहाँ पर हमने सोचा कि आज आलू मटर की सब्ज़ी बनाते हैं, वो मम्मा जो है प्याज छील रही हैं या आलू छील रही हैं। मम्मा क्या कर रहे हो? अदरक छील रही हैं फ़िलहाल तो। और यहाँ पर हम लोग जो है चावल भी साथ में लेकर के आ गए थे, और फिर हमारा दिल चाह रहा था फ्राइज़ खाने का, तो हम लोग फ्राइज़ भी लेकर के आए हैं। हम लोग तो फ्राइज़ के बहुत ज़्यादा दीवाने हो चुके हैं, तो मैंने व्लॉग भी थोड़ा सा लेट शुरू किया क्योंकि मॉर्निंग में मुझे टाइम नहीं मिला था। ये जो है ये बहनी के हैं और बहनी साहब ने तो खाने नहीं है, तो हम लोग ही खाएँगे। और यहाँ पर हम लेकर आ जाते हैं, हम कहते हैं कि चलो कुछ ना कुछ तो खाए, हालाँकि ये उसके लिए नहीं अच्छे, घर पे बना करके इंसान दे बच्चों को तो वो ज़्यादा बेस्ट होते हैं। तो बहनी साहब के लिए हम लोग ये लेकर के आए थे, तो बहनी वो अभी देती हूँ थोड़ी देर में, और अभी वो वहाँ पर जो है रूम में कर रहा है अपनी आनों के साथ मस्तियाँ। और अभी हम बनाने लगे हैं आलू मटर की सब्ज़ी, तो मैं आप लोग के साथ जब आलू मटर की सब्ज़ी और साथ चावलों का सोच रहे हैं तो चावल बनाते तभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आलू मटर का सालन जो है वो बन चुका है, और बैनी साहब जो हैं उन्होंने तो मुझे कुछ करने नहीं दिया, तो मैं अब यहाँ पे बस रोटियाँ बनाने लगी। और यहाँ पे चावल भी हमारे तैयार हो चुके हैं, तो अभी मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। चावल जो हैं वो मम्मा ने बनाए हैं, क्योंकि छोटी सिस्टर को आइडिया इतना ख़ास नहीं है चावलों का, तो यहाँ पे चावल भी बन चुके हैं। और मैं यहाँ पर मम्मा के लिए रोटी बनाने लगी हूँ, और मैंने स्लो किया था फ्लेम जो था, मैंने स्लो किया हुआ था, तो बस मैं अभी रोटी बनाती हूँ ताकि फिर मम्मा को भी भूख लगी हुई, तो मम्मा भी जल्दी से, दो रोटियों का आटा है तो बस यही बना करके जल्दी से मैं मम्मा को दे दूँ। सो आजकल सब लोग क्या कर रहे हैं अपने कमेंट सेक्शन में, मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग क्या चल रहा है आजकल। और मैंने जल्दी से, मैं सर में टिकटॉक भी बना रही थी, मैंने बोला चलो साथ साथ में ये भी काम कर लो, भी मैं बस पेड़ा बना रही हूँ, भी मम्मा के लिए रोटी बनाऊँगी ताकि मम्मा भी टाइम से खा लें, क्योंकि शुगर वालों का तो आप लोग को पता ही कि मसला कितना होता है, कि शुगर वालों को तो चाहिए ही होता है टाइम से खाना। तो मम्मा ने मेरी वजह से घर पे हेल्पर रखी है, और भी सारी चीज़ें मम्मा मतलब के मेरे लिए ही सब लोग कर रहे होते हैं ताकि मुझे परेशानी ना हो। तो बस यही है कि कभी कभी मैं भी जब बनाती हूँ खाना वाना, तो आप लोगों के साथ मैं सारी अपनी वीडियोज़ वगैरह जो है वो शेयर कर रही होती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर रोटी वो कर रही हूँ, बेल रही हूँ ताकि रोटी जल्दी से मेरी बन जाए, मम्मा को भूख लगी भी होगी। तो बहनी साहब जो वो भी अपनी आनों को तंग कर रहे हैं, मेरी मम्मा को तंग कर रहे हैं, दोनों के साथ अंदर बैठे हुए जा कर के। तो मैं अभी तवे पर रोटी डालती हूँ, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि रोटी मेरी कैसी बनी आज। सो बस यही, अभी लाइफ जब बेबी होने के बाद लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है, सो मेरी लाइफ तो बहुत ज़्यादा बिजी हो चुकी है। मैं आप लोगों के साथ रोटी शेयर करती हूँ पूरी, बनी तो छोटी है, कोशिश मैंने बड़ी बनाने की थी लेकिन बनी छोटी रोटी है। तो अभी मैंने फ्लेम को जो है वो थोड़ा सा तेज़ कर दिया है,
और मेरे ये बेबी ईयर्स देख सकते हैं आप लोग किस तरीके से हो रहे हैं। ये जब मेरे जो बाल बहने की वजह से उतर रहे हैं उसकी जगह पे जो दूसरे बाल आ रहे हैं तो उनकी वजह से मुझे तो लगता है पूरा हेयर स्टाइल बन जाएगा। सो मैं रोटी बना लूँ फिर मैं आप लोगों को बाकी चीज़ें शेयर कर दूँ। हम खाना खाने लगे हैं और फिर उसके बाद हम चाय पियेंगे और चाय पीने के बाद हम घर चले जाएँगे। अपने लिए तो कभी टाइम मिला ही नहीं है। सो अभी नेल पेंट चेंज करने लगी हूँ। इतने दिनों से ये कलर लगाना चाह रही हूँ मैं। छोटी सिस्टर ने लगाया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो इतने दिनों से ये कलर लगाना चाह रही हूँ लेकिन नहीं लगा पा रही हूँ। तो अभी उसने मुझे बोला कि तुम अपने नेल्स रिमूव करो, नेल्स के ऊपर से ही रिमूव करो ये कलर, तो फिर मैं जो आपको दूसरा वाला कलर लगा देती हूँ। और मुझे खुद को तो लगानी भी नहीं आती, हमेशा से यही लगाती है। सो मैं इसको रिमूव करने लगी हूँ। व्यूअर्स, नेल पेंट तो लग गई है मेरे पैरों में और कलर बहुत ज़्यादा अच्छा है। मुझे असल में आदत नहीं है, खुद कभी मैंने लगाई भी नहीं, तो सिस्टर ही मेरे लगा। सो मैंने कभी अपने पाँव पे कभी नेल पेंट नहीं लगाई है, हाथों पे भी कभी नहीं लगा सकी थी। और वैसे भी मुझे हाथों के तो नेल्स रखना पसंद ही नहीं था। और मैंने कल भी जो बड़े हुए थे वो मैंने कट कर ली, एक तो बहनी की वजह से। वैसे शुरू से ही मुझे आदत नहीं है, बस ये था कि उल्टे हाथ में चूड़ियाँ पहनना अच्छी लगती थी, लेकिन जब से अब उल्टे हाथ में प्रॉब्लम है तो अभी मैं सीधे हाथ में पहनती हूँ। तो अभी अभी मैंने क्रिसमस पे मुझे हस्बैंड ने लेके दी थी और उसके बाद जो है बहनी के साथ। तो अभी जब मेरा सारा वक्त गुजर जाता है तो बहुत मुझे मुश्किल होता है, मैं कोई काम नहीं कर सकती बिल्कुल भी। सो अभी बहुत नीट एंड क्लीन लगाती है वो नेल पेंट। और पीछे से अम्मी जो है बहनी को वो साउंड सुना रही कि बहनी यहाँ पर क्या कर रहा, बहनी मुश्किलों में मगन है। तो आज जो है मतलब कि आधे ज़्यादा दिन तो बहन के घर पे गुजर गया है। और फिर ये भी अच्छा होता है कि टाइम स्पेंड हम लोग कर रहे होते हैं। मैं अपनी बहन के साथ और बहन के बाबा बैठे हुए हैं इंतज़ार में कि कब ये वीडियो बनाना बंद करे और मैं जाऊँ और वो चेंज करेंगे, क्योंकि बहनी जहाँ पर मतलब कि मेरे पास बैठा हुआ है। और वो अम्मी ने भी उसको पीछे से हॉर्न दे दी कि ये बैठ के कोने की तरफ ना जाए, जैसा कि मैंने आप लोगों को कल की लास्ट व्लॉग में बताया था कि बहनी अब क्रॉलिंग करता है। क्रॉलिंग करने की वजह से ये बिल्कुल बैठ के कोने पे जाके ना, तो जानबूझ के बैठ जाता, मैं आवाज़ लगाऊंगी तो हंसेगा। तो इसकी आजकल ये ड्रामे चल रहे हैं बहनी के। सो मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट व्लॉग में न्यू वीडियोज़ के साथ। अगर हमारी वीडियोज़ को आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए और दुआ में याद रखिएगा। हम भी आपको दुआ में याद रखेंगे। मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट व्लॉग में। खुदा हाफिज़।